हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। तो आपके यूजीसी नेट दिसंबर माह के 2022 के आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जाके आप वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करना है थोड़ा सा देखते हैं हम ओवरव्यू, किस प्रकार से आप, और अगर आप साइकोलॉजी वाले हैं तो प्लीज पूरी वीडियो देखें और चैनल को करना है तो करें वरना आगे बढ़े। ये है कुछ चैनल हमारा इस प्रकार का दिखता है, रिसेंटली अपलोडेड में आपको दिख रहा है। ये वीडियो, ये वीडियो, ये वीडियो, ये वीडियो, अगर आप ज्वाइन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये वीडियो के साथ। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की बात बताई गई है, क्या चीज़ कैसी है, और अन्य कई सारी वीडियो पढ़ाई से संबंधित आपके यहाँ पे डली हुई है, तो जाके उनको आप देख सकते हैं और आपके लिए क्या उपयुक्त है उसका आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंदर आता है, एमओई के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। यहाँ आप देख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एनटीए द्वारा और यूजीसी के इनके संयोजन से आपके लिए आयोजित किया जा रहा है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको विंडो मिलेगा, ये वाला विंडो मिलेगा आपको। इसके अंतर्गत यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इतनी फीस है आपकी, अगर आप ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो इतनी फीस है, एंड एससी एसटी पर्सन ये सब है तो आपकी इतनी फीस है। ठीक है, ये है आपका फॉर्म, इन द सेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, फिर आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, और अंत में फी पेमेंट, और आपको फिर आपकी ईमेल आईडी पे एंड आपके मोबाइल नंबर पे क्या मिल जाएगा, आपको ओटीपी वगैरह मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये फोटो की बात ध्यान रखना है, आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर काली या सफेद, 80% फेस उसमें विजिबल होना चाहिए। ठीक है, और आपके कान यहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए आपकी, ऑडिटरी सेंसेशन की वो दिखना चाहते हैं आपका। द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। तो बताइए जरा विजुअल आपकी रेंज कितनी, नैनोमीटर से कितना नैनोमीटर होती है। ठीक है, अरे हम यहाँ पढ़ाई की बात क्यों कर रहे हैं, फॉर्म की बात करते हैं। द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB से 30 KB, क्लियरली लेजिबल। ठीक है, ओके। इस पे आगे आते साथ ही यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह बनाना होगा, और यहाँ पे आपको करना होगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से नहीं होगा क्योंकि जब तक हमने यहाँ पे टिक नहीं किया है, यहाँ टिक करते ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड हो जाएगा आपका, एंड देन ये पेज लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स दे सकते हैं, यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, जो भी नाम है, यहाँ आपकी माता जी का नाम, जो भी नाम है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, क्या कैसी चीज है। फिर आपका जेंडर, जो आपका जेंडर है, जो आपका सेक्स है वो यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी की टाइप, यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य कोई भी चीजें हैं तो वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, बताना होगा कि आप क्या देंगे, और उसका नंबर यहाँ पे, अगर आपका पैन कार्ड है तो बी से, पी से, क्यू, है ना, इस प्रकार से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको ये नंबर देना है। उसके बाद बात आती है आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, उनको ये जानने की इच्छा है। ठीक है, प्रमाइसिस, नो, नंबर, नेम, कहाँ लोकेलिटी है आपकी, भरना है, भरिए, ऑप्शनल दिया हुआ है। फिर लोकेलिटी आपकी कंट्री, इंडिया, स्टेट, दिल्ली, जो भी है आपका, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, पिन कोड यहाँ भरिए, ईमेल एड्रेस ये आईएमपी ध्यान से भरिएगा, और ये भी आईएमपी मोबाइल नंबर ध्यान से भरिएगा। पूरे रजिस्ट्रेशन के दौरान ईमेल एड्रेस नंबर 1 और मोबाइल नंबर नंबर 2 ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे सीएमएस परमानेंट एड्रेस टिक कर दीजिएगा, अगर आप वहीं पे जहाँ ऊपर एड्रेस दिया है वहीं पे रहते हैं तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, और फिर आगे आगे यहाँ क्या करना होगा आपको, आपका पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पे पासवर्ड में ध्यान दीजिए, एक कैपिटल लेटर रखिए, एक एट द रेट रखिए और कुछ नंबर्स रखिए। ठीक है, आपका पासवर्ड कभी फेल नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर पासवर्ड कंफर्म करिए, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसको दे दीजिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी का आंसर दे दीजिए, और फिर इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं, ये पिन वगैरह एंटर कर दीजिएगा, और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा जिससे आप लॉग इन करके अपना आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखिएगा, इसको आपको अंत तक काम आएगा जब तक आपकी साइकिल चलेगी, दिसंबर
2022 की जब तक साइकिल चलेगी आपकी, आपकी आंसर की यहाँ वहाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हो सके तो ये एप्लीकेशन नंबर को याद भी कर लीजिए निमोनिक का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर ध्यान रखिएगा, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो इससे बचने के लिए इसको याद रखें एप्लीकेशन नंबर को, ठीक है। और जो आपका पासवर्ड है उसको भी, ताकि बार बार रीसेट और वो सब चीज़ें आपको ना करनी पड़े। समय कम है, आप ध्यान किस पे लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे आप अपने बॉटल नेक पे, और बॉटल नेक क्या है आपकी, आपकी बॉटल नेक है आपकी पढ़ाई, ठीक है। ओके, इस प्रकार से जल्दी वीडियो मिलेगा आपको साइकोलॉजी के ऊपर कि किस प्रकार से साइकोलॉजी वाले जो है वो भर सकते हैं। एमए अगर आप कल भी आपने एडमिशन लिया है तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर कल भी आपने एडमिशन लिया है कोई यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप एमए के फर्स्ट ईयर में कहलाएंगे, ठीक है, तो भी आप इसका एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, आधे सेमेस्टर में हूँ, पौने सेमेस्टर में हूँ, ये सब बातें करके अपना और दूसरे का समय बर्बाद ना करें। आप एडमिशन के फर्स्ट ईयर में हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल की बाकी सारी वीडियो है, एक बार जाके उनको देखिए और अपनी साइकोलॉजी की तैयारी अच्छे से करिए, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी अच्छे से।